50 करोड़ के लगभग असी जारी कर रहे हैं। और कदे भी मैं जो भी कित यूनिवर्सिटी जाके या स्कूल जाके मैं बोलता, मैं ये कहना कि विद्या वास्ते, पढ़ाई वास्ते, एजुकेशन वास्ते कदे भी साढ़े खजाने जोड़े ने खाली नहीं होंगे। हमेशा एजुकेशन वास्ते, चाहे वो असी एमिनेंस स्कूल खोल रहे हुई है, चाहे असी वो पंजाब के स्कूलों अपडेट कर रहे हुई है, क्योंकि आने तो बच्चे इतें ही ने। जो स्कूलों चो वधिया पनीरी भेजेंगे तो इतने आके वधिया रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल, असं 30 करोड़ रुपया पंजाबी यूनिवर्सिटी हर महीने जारी कर रहे हैं। मैं पहला भी कहा कि एजुकेशन कदे भी कर्जे थले नहीं होनी चाहिए। तो नाल इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ का जो 7th पे कमीशन का पैसा से बनता 4 करोड़ 4 करोड़ 25 लाख कोई पेंडिंग से इतों के स्टाफ का। सो अज ये भी असी सेंक्शन लैटर जोड़ा जारी हो गया इतों के जो टीचर ने, क्योंकि जे 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 टीचर का फ्यूचर नहीं सेफ होगा तो बच्चों का फ्यूचर किमें सेफ कर देंगे। वो भी असी जारी कर रहे हैं सेंक्शन लैटर जोड़ा मैं लेके आया नाल। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी नवे होस्टल की गल करें, यूनिवर्सिटी उ भी नवे होस्टल बन गए, PAU के भी नवे रिसर्च सेंटर बनने की लड़ है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बहुत, हालांकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कर रही है, मतलब ए प्लस कैटेगरी तो आते हैं। सो असी चाहते हैं कि सारिया यूनिवर्सिटी जीडिया ने पंजाब न रिलेटड ने तो वह हाई रैंक के रहन, हाई रैंक तो रहनगे। जे बच्चों पढ़ने का माहौल मिलेगा, बच्चों ने ही वो जी यूनिवर्सिटी है उस फस्ट आके या रैंक लैके इंडिया चो बच्चों ने यूनिवर्सिटी उपर चकना। सो बहुत उन्होंने तो फिर बजट सैशन की भी इजाजत दी थी, सुप्रीम कोर्ट जाके किने कहना पै गया सी बादशाह जी, जज ने बादशाह कह रहे कि बिजनेस नहीं पता सी, क्योंकि उन्होंने तो गैर संवैधानिक कह दिया सुप्रीम कोर्ट जाके बिल पास नहीं, बजट एक्सटेंशन सेशन नहीं बनते, चारे बिल पास होंगे। थोड़ा जा बैठ जा। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बीच आज आने का मौका मिले, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिदे नाल पंजाब की लैगेसी, पंजाब का विरसा, पंजाब का कल्चर, सभ्याचार जुड़िया होया। बहुत वड्डी वड्डी शख्सियत जिहड़ियां जिन्होंने दुनिया भर के साडे देश का नाम रोशन किया, वो इस यूनिवर्सिटी तो पढ़ के गए ने, वक्त वक्त खेत्रां दे विच उन्होंने नामना कटिया। जदों सरकार बनी तो उस तो बाद मेरे नाल मीटिंग इतों दी स्टूडेंट्स ने, इतों दे सैनेट मैंबरस ने, DC मैम, असीं अक्सर मीटिंगां 'च मिलते रहने हैं। तां एक सब तो जरूरी ते सब तो अहम मंग सी कि होस्टल जिहड़े ने लड़कियां दा ते लड़कियां दा होस्टल जिहड़ा वो काफ़ी देर तो नवे नहीं बने जां एक्सटेंड नहीं होए, स्टूडेंटां दी गिणती वध गई, इसे करके फिर उन्होंने बाहर कितें PG च जां कितें होर प्रबंध करना पैंदा अपने रहन दा, जिहदे नाल उन्हां दा पढ़ाई का टाइम भी जिहड़ा वो वेस्ट हुंदा है, नाल नाल पढ़ाई का माहौल भी नहीं मिलता उत्थे कई बार जिथे वो रहिंदे ने। क्योंकि पंजाब सरकार इस गल लई वचनबद्ध है कि पंजाब यूनिवर्सिटी 172 कॉलेज जो इस यूनिवर्सिटी नाल एफिलिएटेड ने, फाजिलका होर तक के कॉलेज साढ़े नाल एफिलिएटेड ने, काफ़ी साढ़े मेरी 92 मैंबरी जिहड़ी विधान मंडल की टीम है MLAs की, उहदे विच्चों काफ़ी सारे इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने। सो असी लगभग 49 करोड़ का बजट बनिया, 50 करोड़ ही कह सकते हैं कि फर्निश करते करते
जिथे आप खड़े हाँ ये कुड़िया का होस्टल है इनू हूँ दो फ्लोर ने इनू सत्त फ्लोर कर पांच मंजिलों के उपर होर हो और अज मेरे इतने आने का मकसद यही है कि मैं इतने स्टूडेंट्स जोड़े ने उन्होंने भी गलबात हुई है होस्टल के वार्डन वो भी खड़े ने सारा स्टाफ खड़ा है डीन साहब ने सैनेट के मैंबर ने कि हूँ पांच जोड़े बनाने ने वो बिल्कुल अपडेटड हो कि अज आप पैसा जारी कर रहे हैं नक्शा बन के शुरू हो जाऊगा काम जल्दी तो ये ना हो गए कि आप सिर्फ कमरे बनाते सिर्फ कमरों की गिनती होस्टल नहीं कहते उत्थे पढ़ाई का माहौल भी होना चाहिए लाइब्रेरी प्रॉपर होनी चाहिए डाइनिंग हॉल प्रॉपर होना चाहिए कॉमन रूम बिल्कुल अपडेटेड चाहिए और सब तो जिहड़ा बाथरूम जिहड़े ने वो इन्नी जिन्नी स्टूडेंटा की कपैसिटी है वो उन्होंने उस लैवल से बाथरूम की फैसिलिटी मिलनी चाहिए यह ना हो लाइन लगदिया आन मैं देखिया ने खुद लाइन लगदिया होस्टलों के अगे सो पहला जी प्रोविजन है वो छे कमर तो बाद एक बाथरूम असी हूँ जेडे चार मंजिल बना रहे हैं उस चार कमर तो बाद एक बाथरूम बन गया 38 कमरे ऐसे होंगे जेडे अटैच बाथरूम होंगे जो स्कॉलर्स लिए या पी एच डी या सीनियर्स लिए जो भी क्राइटेरिया होगा यूनिवर्सिटी का पारदर्शी इस तों अलावा ये 7 मंजिलों का होगा तो तीजी मंजिल से या चौथी पर जो भी नक्शा बनूगा बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की तरह एक कॉमन रूम एक लाइब्रेरी सिटिंग रूम या फिर डाइनिंग हॉल वो एक विचाले भी होगा मतलब क्योंकि 7 मंजिल जो बन गई तो एको जो कॉमन रूम है जो कि अच्छ दो मंजिलों कर रहे हो 7 नहीं कर सकते स्टूडेंट गिनती बचूगी सो असी इनू दो 2024 वास्ते नहीं बना रहे 2040 तक 2050 तक ये होस्टल उस हिसाब न बना रहे ताकि इतने बच्चे आन आके उन्होंने घर वर्गा माहौल मिले क्योंकि 3-4 साल तक घट्टो घट जैमर तो कुछ मतलब रहना पैंदा तो होस्टल ही घर बन जाता है और इस करके मैं लैगसी जुड़ी हुई कहना कि बहुत सारे यहोजे लोग भी ने जिहड़े स्पैशल कमरे की मांग करते हैं कि उस कमरे च मेरा दादा पढ़ता रहा उस कमरे च मेरा बापू रहिंदा रहा इस तरह की भी इस यूनिवर्सिटी नाल जुड़ी हुई बड़ी इमोशनल अटैचमेंट सो दूजे पासे मुंडिया का होस्टल है उन्होंने भी बनाने उत्थे अजे कुछ नहीं बनया हुआ असं उत्थे जा रहे हैं लोकेशन वो जी कैपैसिटी वो कि छे फ्लोर उत्थे मुंडिया के बन गए सो असी पंजाब सरकार वालों जो साढ़े को अज की डेट एस्टीमेट आया 48.49 करोड़ के नेड़े आया पर असी फिर भी कला के चलते हैं कि कई बार कुछ नवी फैसिलिटियां या पुराने दे विच कुछ सुविधा करनी पै जाए सो 50 करोड़ के लगभग असी जारी कर रहे हैं और कदे भी मैं जो भी कितने यूनिवर्सिटी जाके या स्कूल जाके मैं बोलता मैं ये कहना कि विद्या वास्ते पढ़ाई वास्ते एजुकेशन वास्ते कदे भी साढ़े खजाने जोड़े ने वो खाली नहीं होंगे हमेशा एजुकेशन वास्ते चाहे वो असी एमिनेस स्कूल खोल रहे हुई है चाहे असी वो पंजाब के स्कूलों अपडेट कर रहे हुई है क्योंकि आने तो बच्चे इतें ही ने जो स्कूलों चो वधिया पनीरी भेजेंगे तो इतने आके वधिया रिजल्ट मिलेंगे सो असं समझते हैं कि स्कूल कॉलेज के यूनिवर्सिटियां अपडेट करना साडा फर्ज भी है और साडी ड्यूटी है ये तो 50 करोड़ के नेड़े तेड़े की ग्रांट जी असं जारी करांगे ताकि 5 मंजिल कुड़ियों के होस्टल दियाँ 6 मंजिल जीडिया वो बॉयज होस्टल दियाँ बिल्कुल अपडेटेड लेटेस्ट
कमरे के डिजाइन और फर्नीचर या पढ़ने का माहौल बिल्कुल अपडेटेड मिले। सीएम साहब हरियाणा जो अपना हक जता रहा है इस पे, हरियाणा जो हक जता रहा है विपक्ष जो है वो विजन लेस है और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को खा गई वैसे इंडिया अलायंस जो है वो भारत को खा जाएगा। हम एक विद्या के मंदिर में खड़े हैं, यहाँ पर ये सवाल बनता नहीं। कोई एजुकेशन के बारे में पूछना पूछ लीजिए। सर पटियाला सवाल पर छोटा सा, आंध्र प्रदेश सरकार ने ना एक मुस्लिम समुदाय है उनको बैन कर दिया है वक्फ बोर्ड सर, एक नहीं उनकी पंजाब से रिलेशन है, वो सारा जो उनका हेड ऑफिस है वो गुरदासपुर के कादिया में है, तो क्या पंजाब सरकार भी उनको बैन कर देगी वक्फ बोर्ड से बाहर निकाल दे? ये राजनीतिक बातें हैं उनके, सरकार यहाँ पे हम जो है विद्या के मंदिर में खड़े हैं, यहाँ पे एजुकेशन की बात करने के लिए आए हैं। आप लोग हर बात में मानसा पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे लगातार मुद्दा रहे यूनिवर्सिटी का, एक तो घाटे का, दूसरा उत्ते होस्टलों की प्रॉब्लम रही है कि वो यूनिवर्सिटी के मामले भी होस्टल के मामले की तरह हल कर दिया। 30 करोड़ रुपया पंजाबी यूनिवर्सिटी हर महीने जारी कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा एजुकेशन कदे भी कर्जे थले नहीं होनी चाहिए, तो नाल इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ का जरा 7th pay commission का पैसा से बन रहा है 4 करोड़ 25 लाख कोई पेंडिंग से इतों का स्टाफ का। सो अज ये भी असी सेंक्शन लैटर जरा जारी हो गया इतों के जो टीचर ने, क्योंकि जे 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 टीचर का फ्यूचर नहीं सेफ होगा तो बच्चों का फ्यूचर किमें सेव कर देंगे। सो वो भी असी जारी कर रहे हैं सेंक्शन लैटर जोड़ा मैं लैके आया नाल। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी नवे होस्टल की गल करें जी, यूनिवर्सिटी उत्थे भी नवे होस्टल बनने, PAU दे विच भी नवे रिसर्च सेंटर बनने की लोड़ है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के विच बहुत, हालांकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा कर रही है मतलब A+ कैटेगरी आते हैं। सो असी चाहते हैं कि सारिया यूनिवर्सिटियां जिहड़ियां ने पंजाब नाल रिलेटेड ने तां उह हाई रैंक दे विच रहन, हाई रैंक तां रहणगीआं जे बच्चों को पढ़ने का माहौल मिलेगा, बच्चों ने ही उहदे जिहड़ी यूनिवर्सिटी है उस फस्ट आ के जां रैंक लैके इंडिया चों बच्चा नहीं यूनिवर्सिटी को ऊपर चकना। सो बहुत बहुत धन्यवाद यूजीसी की मीटिंग में एफिलिएटेड करने वाला बिल सीगा वो हले तक गवर्नर साहब को पेंडिंग है। केड़ा जी केड़ा एफिलिएटेड करने वाला पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो जो इस बार विधानसभा के बीच पास किया था वो तो सारे बिल पे ने कल वो कह रहे कि गैर संवैधानिक गैर संवैधानिक सेशन सेगा असि कानून वो कह रहे ने ना हां जी वो कहते कानूनी सलाह ले रही है चारे बिल पास होंगे थोड़ा जा